ये देख सकते हैं एक 24 इंच का सेट है जो सिर्फ डिस्प्ले आया है। ये सीओजी पैनल है और ये कोई टेक्नीशियन के पास से आए हैं। इसका पैनल का नंबर देख सकते हैं और इसमें प्रॉब्लम है, नो डिस्प्ले, कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है और इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो ये देख सकते हैं, सब काट करके भी देखा है, बीजीएस का सेवन लाइन, एक बीजीएल का लाइन, यहाँ पे बीकॉम का लाइन भी काट तो किया है, बहुत इस साइड में भी बीजीएल का जो लाइन है वो भी काट किया है। तो सब करके देखा है फिर भी कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो चलिए एक बार दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए पहले लाइन देते हैं। इसमें एक यूनिवर्सल बोर्ड लगाया चेक करने के लिए, ये स्टैंड वैसे रिलीज हो गया। और चलिए इसको देखते हैं, अभी बैकलाइट भी ऑन हो गया है, इधर देख सकते हैं। अभी इसका डिस्प्ले में देखिए कुछ भी नहीं है। और इसका वोल्टेज एक बार चेक करते हैं कि पैनल सप्लाई वगैरह सब आ रहा है क्या, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पैनल सप्लाई इधर से इन हो रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट, ये देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। और इसका ये जो है ये 3.3 भी सही है। उसके बाद यहाँ पे भी 3.3 आ रहा है। ये बीजेएसपी का टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज नहीं है। ये बीजीएल का टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज नहीं है। अगर यहाँ पे तो काट करके रखा है, ऊपर में देखे तो इधर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखिए बीजीएल आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है बीजीएल। उसके बाद चलिए बीजीएस देखते हैं, इधर यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे काट करके रखा है, यहाँ पे भी बीजीएल जो इन हो रहा है वो काट करके रखा है। और ये बीकॉम का है, बीकॉम वोल्टेज भी नहीं आ रहा है। देखिए तो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। चलिए इस कलर का इस सेट देखते हैं। तो ये जो है ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी है और ये DC to DC IC है। तो अभी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या करना है। तो चलिए अभी SCL SDA एक बार चेक कर लेते हैं, SCL SDA सही है क्या। तो ये देखिए SCL और SDA लिखा हुआ है। ये जो है ये SCL है, 1.6 वोल्ट आ रहा है। और SDA पर ये देखिए 0.7 वोल्ट आ रहा है। तो ये वोल्टेज में वोल्टेज सही नहीं है, इससे ज़्यादा वोल्टेज आना चाहिए और दोनों में सेम आना चाहिए। थोड़ा बहुत कम हो सकता है पर इतना कम वोल्टेज नहीं आना चाहिए। तो चलिए जो मेमोरी आईसी है उसका 8 नंबर पिन में 3.3 वोल्ट आ रहा है क्या, वो एक बार देख लेते हैं। ये इसका 8 नंबर पिन है, यहाँ पे देखिए 3.28 वोल्ट आ रहा है। तो ये भी सही है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी ये प्रोसेसर ख़राब हो सकता है क्योंकि SCL SDA सही से नहीं बन रहा है, या तो मेमोरी ख़राब हो सकता है या फिर मेमोरी का सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो सकता है। तो चलिए अभी मेमोरी को निकालते हैं, निकालने के बाद SCL SDA चेक करते हैं। तो पता चल जाएगा, पता चलेगा कि प्रोसेसर से प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मेमोरी से आ रहा है। तो चलिए मेमोरी को निकाल के, तो ये देखिए अभी मेमोरी को निकालता हूँ। ये देखिए मेमोरी को निकाल लिया और अभी इसमें फिर से लाइन देंगे। चलिए अभी इसमें लाइन दिया, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर आ गया। और अभी इसका BCC पहले देख लेंगे, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट आया। और SCL पे देखिए 2.1 वोल्ट है और SDA पे 2.4 वोल्ट है। तो अभी ये जो मेमोरी है इसको प्रोग्राम करके देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो सही होता है क्या। तो चलिए इसको प्रोग्राम करके देखते हैं। देखिए ये पैनल का नंबर है, इसको लिखा। तो ये नंबर के हिसाब से इसमें सॉफ्टवेयर डालना है। ये देखिए मेमोरी को निकाल के मैंने एडाप्टर में बिठा लिया। और चलिए अभी यहाँ पे एस का जो सेटअप है उसको ओपन करते हैं। एस नहीं, सॉरी, एफ।
उसके बाद उसको स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी पे क्लिक करेंगे और मेमोरी सिलेक्ट करेंगे। 2432 का मेमोरी है ये, सिलेक्ट किया ये देखिए, और हमारा टेस्टेड फाइल जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे जाएंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ये टिकॉन ईप्रोम के अंदर है, ये देखिए इनोलक्स का है ये पैनल, और ये पैनल का नंबर देखिए, और ये नंबर देखिए, दोनों सेम है, इसी का ही सॉफ्टवेयर है, इसी प्रोम का। तो इसको ओपन करना है, इसको सिलेक्ट करना है और ऐप पे ओपन, उसके बाद इसको राइट करना है। अभी देखिए ये राइटिंग कंप्लीट हो गया, और चलिए अभी मेमोरी को निकाल लेते हैं, और अभी स्क्रीनर में बिठाएंगे, बिठा के देखेंगे कि अभी सही हुआ है या नहीं, और भी ख़राब हो सकता है। मेरे ख्याल से मेमोरी ख़राब नहीं है, अगर मेमोरी ख़राब है तो इधर लैपटॉप में शो नहीं करता, तो चलिए अभी पता चल जाएगा। ये देखिए मेमोरी अभी बिठा दिया, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे उसके बाद लाइन देंगे। तो ये अभी लगभग ठंडा हो गया, तो चलिए इसमें अभी लाइन देते हैं। अभी देखिए लाइन दिया, ये ऑन ऑन हो गया, तो चलिए फिर से देखते हैं इसका सप्लाई आया है क्या। आ गया, तो चलिए SCL SDI फिर से चेक करते हैं। इसमें देखिए 1.6 आ रहा है एक साइड, और एक साइड 1.4, ये लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वोल्टेज में। अभी SCL SDI जो है वो सही लग रहा है, तो चलिए इसमें VGS वोल्टेज जो है वो नहीं बन रहा था, तो ये देखिए अभी VGS वोल्टेज भी 23 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे तो VGL तो आ ही रहा था पहले से 8 वोल्ट, और यहाँ पे ABDD का पॉइंट VCOM आ रहा है क्या, ये देखिए VCOM भी आ रहा है 7 वोल्ट। और चलिए ABDD भी दिखा देते हैं एक बार, ABDD कितना आ रहा है, ये देखिए ABDD 17 वोल्ट आ रहा है। तभी ये जो काट किया हुआ है सब इसके लाइन में, तो उसको पहले जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे कि इसमें पिक्चर आ रहा है या नहीं, तो पहले जोड़ लेते हैं। तो इसमें सभी ट्रैक देखिए जोड़ दिया, और चलिए अभी पिक्चर आ रहा है क्या देखते हैं। तो ये देखिए डिस्प्ले में कि इसका पिक्चर आ गया, और इसका असल में जो फॉल्ट था वो मेमोरी का जो सॉफ्टवेयर था वो करप्ट हो गया था, तो इसीलिए पिक्चर नहीं आ रहा था। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।